सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। हमारे स्टूडियो में दो जवान, कह सकते हैं कि एकदम नौजवान मौजूद हैं। अभी इनसे हम बात करेंगे। बात करने से पहले हम बता दें दर्शकों आपको कि मेरे दाएं तरफ बैठे हैं कमल पंडित जी। पेशे से टीचर भी हैं, इनके अलावा वो इंजीनियर भी हैं, विशेष बात ये खुद बताएंगे। और बाएं तरफ हमारे प्रभात कुमार जी बैठे हुए हैं। देखने में ये भी यंग हैं, करियर काउंसलर भी हैं और डिफरेंट शोबे में काम करते हैं। मतलब मेरा कहना ये है कि दोनों में से कोई पॉलिटिशियन नहीं है, यूथ हैं और सेवा करते हैं टीचिंग करके और फिर अदर डिपार्टमेंट में ये काफ़ी योगदान देते हैं। हम बात करते हैं, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। हम चाहेंगे अपने बारे में बता दें एक बार। देखिए सर, मैं कमल पंडित हूँ और मैं प्लस टू में मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ यहाँ पे महादेव मंदिर थाना मोड़ के सामने। तो हम जो छोटे छोटे बच्चों जो गरीब परिवार से आता है उस सब बच्चों को हम लोग पढ़ाने का काम करते हैं, तो उनकी सभी परिस्थितियों को हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। और उस बच्चे को बड़ा बनाना, उस बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना, आप समझ सकते हैं कितनी चैलेंजिंग है, जो कि उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती है। इन सब अभावों के बीच हम लोग क्या करते हैं, उनको पढ़ाने का काम, उनको आपने मेरे का सवाल का मेरे सवाल को ही छीन लिया आपने। आइए मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। बिहार सरकार, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं। आपको पता ही होगा कि तेजस्वी जी की कोशिशों से अभी काफ़ी जॉब का काम हुआ है बिहार में। पिछले दिनों आरक्षण एक बार फिर बढ़ाया गया है, 65% करके बिल पास कर दिया गया है। मकसद सरकार का ये है कि जो दबे कुचले लोग हैं, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, ऐसे लोग जो पिछड़े हुए हैं उनको ज़्यादा ज़्यादा फायदा मिल सके। लेकिन हो क्या रहा है कि हमेशा पक्ष विपक्ष की बात रहती है। विपक्ष में यहाँ बात करेंगे भाजपा की, भाजपा ही है उसके, वो एक बार फिर खिलाफ कर रही है। पहले तो आप ये बताइए कि बिहार सरकार का यह कदम कैसा लग रहा है? देखिए कामरान सर, मैं हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं है, ये पहले भी आप बता चुके हैं और हम लोग एक सिंपल टीचर हैं, छोटे शहर में पढ़ाते हैं। अगर बेसिक तौर पर आप देखेंगे ना कामरान सर, तो जिस तरह की बच्चे आ रहे हैं, जिस तरह के बच्चों को डेवलपमेंट की ज़रूरत है, उन्हें थोड़ा सा रिजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और रिजल्ट ओरिएंटेड काम उन बच्चों के बीच नहीं हो पाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट माना जाएगा, क्योंकि जब हमारे समाज के गरीब बच्चे, दबे कुचले लोग, और पॉलिटिकल में बड़े बड़े पॉलिटिशियन का आप स्टेटमेंट सुनते होंगे कि हम समाज के अंतिम पौदान पर रहने वाले व्यक्ति का भी विकास चाहते हैं, तो जब आप ये चाहते हैं तो इससे आपको दिक्कत क्या है? मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड की तहत से मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सर आपको एक शिक्षा के नाते, एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम करते हैं, सर्विस देते हैं उनके बच्चों की, उनके परिवार की, उनकी सभी स्थितियों को समझ रखते हुए मैं ये बात आपको बता रहा हूँ कि इसका बेनिफिट गरीब, दबे कुचले, आरक्षित व्यक्तियों को मिलेगा। इसको सरकार को प्रमोट करना चाहिए, पब्लिक को भी, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए सर। तो आपका कहना ये हुआ कि बिहार सरकार का जो ये फैसला है जी, बहुत हद तक सही फैसला है और ये होना चाहिए। और सभी शिक्षाविद, मुझे लगता है, जो चाहते हैं कि नीचे समाज के नीचे वाले वर्गों का विकास हो, तो उसको सपोर्ट शायद करना पड़ेगा। तो आप खुद पढ़े लिखे स्कॉलर हैं, आप तो आप ये बताएं, ऐसे में अगर कोई पार्टी, अगर चाहे वो भाजपा हो या फिर दूसरी कोई पार्टी हो, अगर जी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष अगर इस चीज़ की मुखालफत करता है, तो सीधे तौर पर गलत है वो? देखिए ये डिसाइड पार्टी की जो लोग करते हैं, उनका एक अपना स्ट्रेटजी होता है, लेकिन हम लोग जिस ग्राउंड पर रहते हैं, जो नज़दीकी स्थिति को देखते हैं, जमीनी स्थिति को देखते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी कदम है। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा? मान लिया जाए कि एक आदमी एकदम गरीब है जी, एकदम गरीब है, उसको क्या फ़ायदा होगा? देखिए अगर वो गरीब है लेकिन वो थोड़ा सा प्रयास किया, और प्रयास करने के दौरान अगर वो एग्ज़ाम देता है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है या जॉब ओरिएंटेड एग्ज़ाम देता है, तो उसको अगर रिजर्वेशन कोटा मिल रहा है तो उनकी एंट्री आसानी से हो पाएगी। ये थोड़ी, चूँकि वहाँ आरक्षण की जो परसेंटेज रेशियो है वो बढ़ी है, तो उसमें क्या होगा, उसकी संख्या थोड़ा सा एंट्री लेगी। अच्छा, ये बताइए हमको, आप तजर्बा है काफ़ी आपके पास, लेकिन 10% आरक्षण जो फॉरवर्ड को दिया गया होगा, क्या फॉरवर्ड को लॉस होगा इस आरक्षण से? नहीं, देखिए फॉरवर्ड को जो आरक्षण दिया गया है उसमें एक सबसे अच्छी बात यह है
कि फॉरवर्ड समाज ये हमारे भारत का इतिहास रहा है, बहुत पहले से सबसे विकसित समाज उसको माना गया है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी समाज का कुछ हिस्सा फॉरवर्ड का जो काफी दबा हुआ है, तो उसको उसको देना, उसका भी देना बहुत जरूरी। आप कैसे कह रहे हैं कि आप सियासत नहीं जानते हैं, मास्टर हैं, देखिए सर, देखिए आप अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल इसलिए ये बात हम लोग चीजों को समझ रखते हैं, इसलिए उनको भी ये चीज मिलना चाहिए। और जो अभी पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, या आप जो भी SC ST बोल लीजिए, उन सबको जो मिल रहा है ये तो अच्छी कदम है। देखा दर्शकों, कमल पंडित जी है, हालांकि पेशे से इन्होंने कहा टीचर है, छिपा भी लिया इन्होंने, ये इंजीनियर भी है और स्टॉक ये आप बता दीजिए, ये मेरा, देखिए मैंने आपके चैनल पर भी कई बार आ चुका हूँ, और ये हमारा एक बड़ा रेवोल्यूशन है, क्योंकि आर्थिक आज़ादी के लिए आपको कुछ अलग पहचान, कुछ अलग करना पड़ेगा, चाहे आप लॉयर हो, वकील हो, टीचर हो, किसी भी प्रोफेशंस में हो, जहाँ पे आपको एक अच्छा स्मार्ट इनकम आता है, उसके अलावा भी लाइफ का बहुत सारा पार्ट है जो आपको ज़रूरत है। जैसे आप मान लीजिए कि सर, आप, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक अभी जो BPSC से टीचर बन के गया है, उसका 50,000 रुपया मिलेगा, अगर वो 25,000 में लाइफ अपना बहुत अच्छे से चलाएगा, खाना पीना रहना पढ़ाई लिखाई बच्चों का सब कुछ अच्छा कर लेगा, बाकी का रेस्ट जो 25,000 रुपया है उसको क्या करेगा, अगर फिनेंशियली नॉलेज नहीं है तो वो क्या करेगा, सेविंग अकाउंट में डालेगा। अच्छा, लेकिन 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 मैं आपको बता दे रहा हूँ, उस 25,000 से आप अपने लाइफ की हर एक सुख सुविधा ले सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, यस यस, दुनिया की सबसे सबसे ज़्यादा रिटर्निंग देने वाला, सबसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी देने वाला ये प्लेटफॉर्म है। अब मैं लाइफ को हैप्पी बनाने का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आप अच्छे प्रोफेशनल हैं, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा जो हम लोग 10-15% 30-40% तक का रिटर्निंग हम अपने एजुकेशन सिस्टम में दे करके लाइव करवा करके उनको इन हैंड सौंपते हैं। अच्छा पंडित जी, इस मुद्दे पर हम फिर अलग से बात करेंगे, मुझे पता नहीं था कि आपको छेड़ना, आपको छेड़ना मुझे महंगा पड़ेगा। आप ये बताया मुझे कि तेजस्वी जी जो BPSC का चर्च किया आपने, दो बात आ गई, इसलिए उन्होंने 10 लाख का नौकरी का वादा किया था, 4 लाख अप्रोक्स कंप्लीट कर दिया, फिर निकलने वाली है वैकेंसी, तो क्या लग रहा है जो काम हुआ है नौकरी को लेकर के, कितना अच्छा काम? ये अच्छी बात है। देखिए बिहार ऐसे में क्या होगा, BPSC से जो टीचर जा रहा है वो टीचर स्कूल में पढ़ाएगा भी, और जो गरीब तबके का बच्चा जो प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाता, वो बच्चे में थोड़ा सा अच्छी नॉलेज आएगी, उसको भी अपने जीवन की समझ में आएगी, अपने करियर के लिए अपॉर्चुनिटी बनाएगी, और वो आगे बढ़ेगा वो लड़का। तो ये एक माध्यम है गरीबी हटाने का, दबे कुचले हटाने का, ये सही माध्यम। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हमारे दूसरे मेहमान हैं, उनसे हम बात करते हैं, प्रभात कुमार जी से। प्रभात जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू हिंदुस्तानी मीडिया। अभी बात हुई हमारी, देखा हमने बात किया, बिहार सरकार ने जो भी बिल पास कराया है 65% जो आरक्षण दिया है, प्लस 10% तो फॉरवर्ड को दिया है जो है ही, क्या लग रहा है कि इस आरक्षण से कितना फ़ायदा उन लोगों को होगा जो दबे कुचले लोग हैं? सर, अभी जो गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी जो निकाली है रिजर्वेशन का, ये अपने जगह पे सही है, और गवर्नमेंट का फैसला लेना भी सही है, ताकि उन बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर उठने का मौका मिलेगा। बट एज़ पर माय एक्सपीरियंस, जो अभी तक मैं जो भी स्टैंड किया हूँ, गवर्नमेंट तो पॉलिसी दे दी रिजर्वेशन का, बट उन लोगों को अपनी हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है, तो वो करे ना। यस, इसके लिए किया गया, आप ये कहना चाहते हैं, आप यहाँ भी करियर काउंसलिंग कर रहे हैं? नहीं, नो नो सर, लोगों को बता क्योंकि रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो दे दिया, बट लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अभी भी लोग जो 4 सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट को लेकर चल नहीं रहे हैं, अपने अंदर लूप होल नहीं देखते हैं, और गवर्नमेंट को बंदा नहीं करते कि और रिजर्वेशन बढ़ाना चाहिए। गवर्नमेंट के अंदर जितनी पावर पोटेंशियल थी उतना कर दिया। मतलब आपका कहना ये हुआ कि गवर्नमेंट ने किया है, आरक्षण दिया है, अब आप पढ़ करके यूज करें और आप वहां तक फायदा उठाएं, फायदा उठाएं, आप ये कहना चाह रहे हैं? यस, फायदा उठाएं, और आप जो 10% का जो फॉरवर्ड को जो मिला है, तो गवर्नमेंट हर एंगल से सभी कैटेगरी के लोगों के लिए सोचा है, बट इसका फायदा स्टूडेंट उठाए, और जो जॉब्स जो वैकेंसीज है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, बट इसके अलावे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, वैकेंसीज है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा, विप्रो, SCL, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, इसमें जॉब करने के बाद वहाँ पे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं रिजर्वेशन के, और वहाँ पे जॉब करने के बाद क्या होते हैं कि एक तरह से गवर्नमेंट जॉब का फील आता है वहाँ पे। वो मल्टीनेशनल कंपनी जल्दी रिमूव नहीं करती है किसी भी कैंडिडेट को,
तो पोटेंशियल्स बहुत है, मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप इसका फ़ायदा उठाइए और फुल्ली आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करें। बट बैकेंड में आप आज के डेट में आपको टेक्निकल प्रोफेशनल्स को लेके चलना पड़ेगा, तभी आप गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसका विशेष आप फ़ायदा उठा पाएंगे। प्रभा जी बताइए, आपके जिस तरीके से बिहार सरकार ने फैसला लिया है और ख़ासकर नौजवान हैं तेजस्वी यादव मेहनत कर रहे हैं जॉब देने दिलाने की, काफ़ी जॉब देने का काम किया है बिहार सरकार, अगर इस तरह से अगर ये रेशियो जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा कि बिहार के ज़्यादातर नौजवान अब उस योग नहीं होंगे, उसे नौकरी मिलेगा। आपने पहले ही कहा है वो रोज़गार से जुड़ जाएंगे, आपका क्या मानना है? देखिए सर, बिहार में जो वैकेंसीज तभी ज़्यादा आएंगी जब गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा एक्शन लेगी। अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो बिहार में नहीं हो पा रही है, शुरुआत तो हो गई है ना, शुरुआत हुई है बट इसको थोड़ा गवर्नमेंट को और डेडिकेटेड होके इसके ऊपर लगना पड़ेगा। अगर इस तरह से सिलसिला जारी चलता रहेगा तो जो भी यूथ्स है उसको एक चीज़ का जवाब दीजिए, आप भी यूथ ही हैं, नीतीश कुमार NDA के साथ थे, कोई जॉब का हल्ला था, कोई जॉब आ रही थी, चर्चा था? अभी एक साल में कितना, एक साल अभी बना है गठबंधन को, कितना जॉब आ गया? इस अगर ये हाल, मैंने कहा अगर ये हाल रहा, इस तरीके से कोशिश जारी रहेगी तो आने वाला वक्त जो है काफ़ी सुनहरा हो सकता है बिहार का और जॉब के मामले में। अब देखिए UP से लोग आके जॉब ले रहे हैं। एग्जैक्टली सर। देखिए यहाँ मंदिर मस्जिद नहीं चल रहा है बिहार में, बाहर में चलता है मंदिर मस्जिद, इसलिए लोग उसमें उलझे हुए हैं, लोगों को नौकरी याद नहीं आती है, बिहार पहुँचते हैं। ठीक है, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों देखा, दो मेहमान थे हमारे, इन्होंने खुल करके और एक्सप्लेन विथ एक्सप्लानेशन उन्होंने बताया है कि इस आरक्षण से क्या फ़ायदा होगा ऐसे लोगों को जो काफ़ी दबे कुचले हैं। इन लोगों का कहना है कि बिहार सरकार का ये कदम बहुत ही बेहतर है।